उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बाद अब उपचुनाव में पल्लवी पटेल और सुद्दीन ओवैसी का पीडीएम गठबंधन भी ताल ठोकने की तैयारी में है। बता दें कि 12 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित पीडीएम की बैठक में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के शामिल होने पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। सत्ता पर काबिज बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। वहीं बताते चले कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में पल्लवी पटेल, ओवैसी और चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने का ऐलान मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है। जानकारों की माने तो ओवैसी और पल्लवी के साथ अगर चंद्रशेखर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मझवा, मीरापुर, गाजियाबाद सदर, मिल्कीपुर, कटेरी, फूलपुर, खैर और कुंदर की सीट शामिल है। इनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, तो वहीं 3 सीटें बीजेपी और एक सीट निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। इसमें से 9 सीट ऐसी हैं जहाँ के विधायक सांसद बने हैं, जबकि सीसामऊ पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के बाद सदस्यता जाने के चलते चुनाव होगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, बची हुई 5 में से बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी और आरएलडी के पास एक सीट थी। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर उपचुनाव में किस गठबंधन का परचम लहराता है।